डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के एल्गोरिदम, कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ उसके एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज के एक साइड पे वेरिएबल्स को शिफ्ट करेंगे और दूसरे साइड कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंज द इनइक्वालिटी साइन। द इनइक्वालिटी साइन इज हियर लेस देन। जब हम टर्म्स को चेंज करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड, तब हम लीनियर इनइक्वालिटीज की साइन को नहीं चेंज करेंगे। पर हाँ, जब हम किसी माइनस नंबर से इनटू या डिवाइड करेंगे, तब इनकी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। नाउ 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। सो 6x को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, कोई भी टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो उसके साइन में चेंज होगा, और लेफ्ट से हम राइट में आएंगे तब भी उनकी साइन चेंज होगा। जैसे हम 6x को लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो ये -6x, वहीं प्लस 3 को हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं सो वो -3। 4x में से 6x माइनस करेंगे तो हमारे पास -2x होगा, वहीं 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4। नाउ अब डिवाइड बोथ साइड बाय -2। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर माइनस नंबर से इनटू या डिवाइड दोनों साइड करते हैं, तब उनकी जो इनइक्वालिटी की साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अभी जैसे ये लेस देन है, सो आफ्टर -2 से डिवाइड ये ग्रेटर देन, सो -2 कैंसिल, वी गेट x ग्रेटर देन -2। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर गिवन बाय x ग्रेटर देन -2 को हम नंबर लाइन पे शो कैसे करें। सो यहाँ पर अगर इक्वल टू साइन साथ में हो तो उसे हम उस पॉइंट पे हम उसको डार्क करेंगे, बट अगर इक्वल टू ना हो तो उसको हम सिर्फ एक सर्कल से इंडिकेट करेंगे। जैसे इंडिकेटेड पॉइंट हमारा है -2 -2, चूँकि -2 से ग्रेटर, सो नंबर लाइन में -2 से जो ग्रेटर्स जो भी नंबर्स होंगे उसे हम डार्क और बोल्ड कर देंगे। उसी तरह से हैंस सॉल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -2, ओपन इंटरवल +∞। -2 पे ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि -2 पे बराबर का साइन नहीं है। अगर -2 के पे बराबर साइन हो तो आप क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। क्लोज ब्रैकेट मीन्स कुछ इस तरह के ब्रैकेट, बट इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। यहाँ -2 से ज़्यादा, सो -2 से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा मीन्स आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 7x
प्लस थ्री लेस देन 5x प्लस 9। वेरिएबल 5x को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट 3 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी ऑफ द इक्वेशन। सो वी गेट 2x लेस देन 6, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तब हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, या यू कहें रिवर्स नहीं होगा। सो 2x 2x कैंसिल, वी गेट x लेस देन 3। चूँकि 3 पे इक्वल टू साइन मेंशन नहीं है, सो जब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो 3 पे हम सिर्फ सर्कल, और चूँकि 3 से लेस तो 3 से लेस 2, 1, 0, -1, -2, -∞ की तरफ हम डार्क कर देंगे और इस साइड उसके राइट साइड छोड़ देंगे इसी तरह से सिंपल। सो सॉल्यूशन सेट इज, हमारा सॉल्यूशन है -3 से लेस। सो नंबर लाइन पे देखें 3 से लेस कहाँ तक, सो -∞ तक। सो जब इसको हम लिखेंगे तो 3 से -∞ यानी -∞ to 3, और दोनों जगह पर ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि 3 पे इक्वल टू साइन मेंशन नहीं है और +∞ या -∞ दोनों के पास हमेशा ओपन इंटरवल मेंशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 3x-4/2 > x+1/4-1। सबसे पहले लेफ्ट राइट साइड पे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन उसके बाद ये जो डिवाइड में जो नंबर्स रहेंगे उनके अलग से एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम 2, 4 विच इज 4, सो इसीलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। चूँकि पॉजिटिव नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी जो साइन है इनइक्वालिटी के वो चेंज नहीं होगा। सो 4 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड और 4 से मल्टीप्लाई राइट साइड। आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट 6x-8 > x-3। फिर से हम वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड करते हैं तो 5x > 5। अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय 5, वी गेट x > 1। चूँकि 1 में इक्वल टू साइन मेंशन है सो हम क्लोज इंटरवल लेंगे, चूँकि 1 से ज़्यादा, अगर 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 अप टू हम चले जाएंगे +∞ की तरफ। सो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to ∞। क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि इस पे इक्वल टू साइन मेंशन है, इसलिए क्लोज इंटरवल। और अगर यहाँ इक्वल टू साइन मेंशन नहीं होता तो हम ओपन इंटरवल लेते, बट ध्यान रहे इन्फिनिटी +∞ और -∞ में हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व x/2 > 5x-2/3 - 7x-3/5। राइट साइड एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्रोवाइड होगा x/2 > 4x-1/15। अगेन एलसीएम ऑफ 2 और 15 इज 30। फिर से हम जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हम डिवाइड की नंबर्स का अलग से एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 30, इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 30। चूँकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट
7x greater than minus 2. We divide by 7, we get x greater than equal to minus 7 by 2. So चूँकि यहाँ greater than और equal to यानी equal to sign mention है, so हमारा close interval होगा, और चूँकि उनसे ज़्यादा तो minus 2 by 7 से ज़्यादा यानी ज़्यादा की तरफ जाएँ तो हमारा plus infinity, अगर हम कम की तरफ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, चूँकि हम जा रहे हैं ज़्यादा की तरफ इसलिए हमारा हो जाएगा माइनस टू बाई सेवन कॉमा प्लस इन्फिनिटी टू बाई माइनस टू बाई सेवन पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल।